ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग एसपी के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पे रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया होगा, स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एनी 2 लिखने हैं तो 6 मार्क्स का सीधा सीधा ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। और बहुत सारे बच्चों को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में इसी क्वेश्चन पे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले क्वेश्चन किस हिसाब से दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन समझो, जिन बच्चों के कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर है वही इस क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, अगर आप मेरे ये सेशन देख रहे हो तो 6 में से 6 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे दोस्तों। वैसे सेकंड चैप्टर का जो वेटेज वाला वीडियो था वो भी आपने देखा ही होगा, जो बहुत ही अच्छा एक वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन, एक केस आना तो बहुत ही ज्यादा वैलिड, बोलते ना कि एक हमारा एक एनालिसिस बन जाता है। सो प्लीज पहले क्वेश्चन समझो, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो तो मैं बताऊंगा ही। पहले मैं सेकेंड केस पढ़ता हूं, और ये अलग अलग ऐसे बोलते ना कि छोटे छोटे 5-10-15 मिनट के मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक केस स्टडी पे लगता है तो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। सबसे पहले, मिस्टर सतीश इज अ स्पेक्युलेटर, ही डिजायर टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग मार्केट फॉर कंपनीज प्रोडक्ट एंड ऑन हैंडसमली। एक सतीश नाम का बंदा है, उसके क्या डिजायर है वो उन्होंने बताया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से अर्न करना है। क्वेश्चन 1 3 मार्क्स के लिए था ना, तो 3 मार्क्स के लिए देखो, 3 केसेस तो हर एक केस में पूछा है उन्होंने। पहला, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। अब शेयर बोला है, शेयर के कितने टाइप होते हैं, 2, इक्विटी या प्रेफरेंस, लेकिन आपको आंसर देना है कि कौन से टाइप का शेयर सतीश ने सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जिसमें भी वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या रिटर्न में मिलने वाला है। एंड 3rd, स्टेट एनी वन राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर। अब देखो दोस्तों, यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। वो होता तो हमने लर्न किया, हमारा दिमाग तुरंत वो लिखने लगते हैं हम लोग। लेकिन जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आया ना, तो उसका पैनिक सिचुएशन हमें आगे और हम मतलब आगे के क्वेश्चन को भी खराब कर देता है। तो इसीलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। वापस एक बार सिनेरियो समझो कि सतीश नाम का एक बंदा है, उसे एक कंपनी जो ग्रो हो रही है उसमें एडवांटेज लेना है, अच्छा खासा पैसा अर्न करना है, तो पूछा ये गया कि उस सतीश ने कंपनी में कौन से शेयर खरीदने चाहिए वो बताओ, उसे क्या रिटर्न मिलेगा ये बताइए, और वो क्या क्या राइट एंजॉय कर सकता है ये बताइए। तो देखो क्या लिखोगे आप आंसर, तो मैं आपको इस केस स्टडी का आंसर भी बताता हूं। ये रहा अपना आंसर कैसे लिखना है दोस्तों। पहले क्वेश्चन नंबर लिखना, प्रॉपर क्वेश्चन हो सके, टाइम है तो वो भी लिख देना करके, और फिर आंसर लिखना। पहले तो देखो क्या लिखना है, मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट इन -- शेयर, कौन सा, इक्विटी शेयर। पहले तो उसका रीजन भी देना है, अगर आप प्रेफरेंस लिख रहे हो तो क्यों और इक्विटी लिख रहे हो तो क्यों। सुनो, दिस इज बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहांस रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट एंड इट फैसिलिटेट एप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और मैंने आपको कहा था प्रेफरेंस और इक्विटी का, अपने यहाँ पे वो लेक्चर्स भी है, आप देखो जाके कि किसका एप्रिसिएशन वैल्यू मिलता है करके। और इक्विटी में क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये होगा, और उसको डिजायर है कि उससे हैंडसमली प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए So investing in equity share will be enable him to earn handsomely। तो दोस्तों ये चीज याद रखो, अगर आपको सतीश की जगह मुकेश नाम दिया, मुकेश की जगह आनंद नाम दिया, कुछ भी बोला और कहा कि किसी कंपनी में उसका डिजायर है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, कौन सा शेयर खरीदे, क्या है शेयर, बहुत सारे सोर्स है, कौन से चैप्टर का मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2, नाम क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल, अलग 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 सोर्सेस है। लेकिन स्पेसिफिकली जब कहा जाएगा किसी बंदे को शेयर खरीदना है, उसमें भी हैंडसम इनकम उसको अर्न करना है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करोगे, इक्विटी शेयर। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, मार्केट वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है सर, एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू लिख लीजिएगा।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिनट मेरा लेक्चर पॉज कीजिए, ये लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है करके तो। लेकिन ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करके दोस्तों। यस सर, दूसरा सवाल क्या था देख लेते हैं। अगर पहले का आंसर आ गया ना लिखते तो आप दूसरे तीसरे का तो मतलब मेजोरिटी ऐसे होगा कि आप सही जाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ओके सर, आंसर क्या होगा देखते हैं। मिस्टर सतीश विल रिसीव फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कुछ कुछ बच्चे क्या लिखते पता है, सिर्फ डिविडेंड लिख के आते, क्योंकि आपको पता है कि शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है, डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है, बराबर। आप डिविडेंड तो लिखिए लेकिन ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग क्यों लिखा है सर? क्योंकि इक्विटी शेयर है। अगर यही प्रेफरेंस शेयर होता तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता। क्या आपको समझ रहा है क्या? और जो मैंने बोल रहा हूं वो अभी ही समझ लो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लिख भी लो कि इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग रेट रहेगा, प्रेफरेंस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और फ्लक्चुएटिंग क्यों भाई? तो बट ऑब्वियस अगर बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है वो किसको जाएगा? बट ऑब्वियस इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, जितना भी लास्ट में बचा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या था सर? थर्ड क्वेश्चन ये था, स्टेट एनी वन राइट विच ही विल इंजॉय एज अ शेयर होल्डर। लेकिन कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे तो बहुत राइट होते हैं, लेकिन ही विल इंजॉय राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक, राइट टू ट्रांसफर शेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बातें दी है, इन चार में से कोई भी दो याद रखिए। तो लिख दो क्या कि उसे उसके प्रॉफिट में शेयर चाहिए, उसका एक राइट मिलता है। अगर उन्हें लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर रहा है, कंपनी में सही चीजें चल रही नहीं चल रही है, तो वैसे भी एक उनके पास राइट होता है। तो दोस्तों इतने तीन कैटेगरी में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। क्या आपको समझा? एवरीबॉडी राइट? तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पे हमारा खत्म होता है। क्या राइट मिलता है? तो वोटिंग राइट है, इंस्पेक्शन करने का राइट है बुक्स को, प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट है, एक्सेट्रा 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 लिख दो करके। क्वेश्चन नंबर टू खत्म। अगर ये आता इस हिसाब से आपने लिखा, 3 मार्क्स फिक्स हो गए। चलो इस सेशन में और एक केस स्टडी कर लेते हैं। क्या पॉइंट? क्वेश्चन नंबर थ्री, मिस्टर रोहित एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज ओन फंड इन द सिक्योरिटी। ओके, ही डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। ही इज इंटरेस्टेड इन डेफिनेट रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। क्या है? पहले तो उसके भावनाओं को समझ लो कि बंदे का रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि सर और मैडम हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कल जाके हमको व्हाइट कॉलर अगर जॉब चाहिए तो हम लोगों को गाइड करके, हम लोगों को कंसल्ट करके इनकम कमाने वाले हैं। कोई पर्सन आपके पास आके कह रहा है कि मैम मैं रिस्क लेने चाहता हूं, क्या? डज नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क, मतलब एक बार सोचना कि उसको रिस्क ज्यादा लेना है कि कम लेना है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो भाई एक प्रिकॉशन के साथ वो चलेगा। He is interested in definite rate of income and safety of principal. तो उसे return भी fix चाहिए, इतना percent है तो इतना आना ही चाहिए और principal amount भी safe रहनी चाहिए। इसके तीन criteria है। पहला सवाल, name the types of security that Mr. Rohit will opt for. Okay, what does he receive as a return on investment? दूसरा सवाल, the return on investment which he receive is fixed or fluctuating. तीन सवाल पूछे, पहले तो कौन से security में वो invest करेगा वो बताओ, उस पर रिटर्न के तौर पे क्या मिलेगा वो बताइए, और वो फिक्स रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग रहेगा ये बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग तो मिले सर, हमें कोई समझा तो दे कैसे लिखना है। आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए तो लिखे कैसे, बताता हूं मैं। ये देखो इसका आंसर जो स्टार्ट हो रहा है यहां पर, इसका आंसर हम लोग देखते हैं करके। या देखो क्या है, पहले तो मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर। यस, दिस इज बिकॉज सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद प्रेफरेंस शेयर। कि उनको जो दो रिक्वायरमेंट थी ना, उनको एक तो क्या चाहिए, कैपिटल का सेफ्टी चाहिए, दूसरा रिटर्न भी एकदम टाइम टू टाइम आना चाहिए, और शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एडवांटेज है। आपने तो देखा ही होगा दोस्तों कि अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे पहला पैसा शेयर होल्डर में से, दो टाइप के शेयर होल्डर है, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो सबसे पहला नंबर किसका आता, बट ऑब्वियस प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा। तो और उसका डिविडेंड मिलता है रिटर्न में, बराबर ना, शेयर पे डिविडेंड मिलता है, वो भी फिक्स होता है करके। तो अगर कोई सिक्योरिटी चाहता है, उसे यह भी नहीं चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग ना हो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड
डिविडेंड रहे, रिटर्न रहे, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, तो वो कहना उसे भी प्रेफरेंस शेयर तो ले ले। ऊपर के केस में हमने इक्विटी शेयर कहा था, नीचे के केस में हमने प्रेफरेंस शेयर कहा। अच्छा क्या मिलेगा बाबा, ही विल रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो रिटर्न के तौर पर, क्योंकि शेयर है इसलिए उसे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस है तो देखो क्या लिखा आपने, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और ऊपर इक्विटी था तो क्या लिखा ब्रैकेट में, फ्लक्चुएटिंग। क्या आपको लॉजिक समझ रहा है क्या? यस सर। एंड तीसरा सवाल, द रिटर्न ऑफ इन ऑन इन्वेस्टमेंट विच यू रिसीव इज फिक्स एंड स्टेडी, मतलब जितना भी मिलेगा वो फिक्स रहेगा। तो सर और मैडम आपके जो तीनों सवाल थे, तीनों के मैंने आंसर दे दिए, आप मुझे 3 में से 3 मार्क्स दे दो और अब मेरा बोर्ड का जो पेपर है कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बढ़ जाएगा। समझ में आया? हिंट क्या थी सर, हिंट रिस्क नहीं लेना था, रेट क्या चाहिए था, स्टेडी सेफ, मतलब बोलते ना कि एकदम उसको वो ज्यादा कुछ डिफिनेट। देखो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट मत पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ होशियार बच्चे रहेंगे वो बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो डिबेंचर पे मिलता है, लोन पे मिलता है। अरे बराबर है, लेकिन ये इंटरेस्टेड पूछा है कि वो किस में इंटरेस्टेड रहेगा, इंटरेस्ट नहीं वर्ड यूज है। समझ में आ रहा है क्या सर? ये बहुत सीली बात है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन डेफिनेट रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल। तो भाई डेफिनेट रेट फिक्स रेट कहां मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर में ही मिलेगा। सो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छा आपको बताया है, होप सो आपको समझा रहेगा। और दोस्तों बिल्कुल भी आसान है 12th का एग्जाम, आप लोग 90 प्लस आराम से जा सकते हो, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, कोई भी आपको आपसे आपके मार्क्स नहीं छीन सकता। पहली बात तो कितनी भी मुश्किलें आने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये भरोसा आप रखो, बाकी हम तो आपके साथ है ही। तो यही पे मैं दोस्तों रुकता हूं, पढ़ते रहो और पॉजिटिव रहो, ठीक है राइट, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।